अस्सलामुअलैकुम, मैं सुहासन, मैं गुलजार, मैं मोमी। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की अदाग्रह से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ से मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो के बाद। आज की वीडियो का टाइटल है इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान बैड कंडीशन। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में देख लेते हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, फिर देखेंगे अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है पाकिस्तान फॉर सेल, इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान बैड कंडीशन। यानी कि पाकिस्तान जो है वो सेल पर बेचा जा रहा है और क्या इसके लिए भारत जिम्मेदार है। इस पर सोहेब भाई ने बात की है पाकिस्तान की जनता से। तो आइए देखते हैं कि भाई किस तरह के जवाब मिल रहे हैं। चलिए, मेरा आज का सवाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, कुछ ही टाइम हुआ है, और अब वो पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेशनल अदारे हैं, PIA है, रेलवे है, पाकिस्तान स्टील मिल है, ये वो अदारे हैं जिसकी वजह से किसी मुल्क की पहचान होती है पूरी दुनिया में। तो वो इसको सेल करने का सोच रहे हैं और वो भी अमेरिका चाइना को देने का सोच रहे हैं। क्या समझते हैं इसके पीछे किसकी साजिश है? पाकिस्तान हमारा ऐसा मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है हमें, ठीक है। और हम एक एटमी सुपर पावर हैं। इसराइल एटमी पावर है, सुपर पावर इंशाल्लाह बनेंगे, है भी और बनेंगे भी, सुपर पावर हैं अभी हम इंशाल्लाह, क्यों नहीं है, अल्लाह के फजल से हैं। इंडिया और इसराइल चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाए, लेकिन हम मौला इस्लाम के मानने वाले। इंडिया ये चाहता है कि हमारा जो मुल्क है वो नक्शे से मिट जाए, तो फिर इंडिया क्यों चाहता है हमें हर बात पे? इवन पाकिस्तान में अगर लाइट भी चली जाती है ना रात को वो 2 बजे, तो वो पाकिस्तानी कहते हैं ये भी इंडिया ने लाइट भेजी है। वो भाई इंडिया कैसे चाहता है, क्या वजह है, इंडिया क्यों चाहता है ये बताएं। वो ये बर्दाश्त नहीं करता कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है और वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो नहीं करता। आपको लगता है पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल रहा है? अभी जो मौजूदा हालात जा रहे हैं अभी तो नहीं जा रहा, इमरान खान आएगा तो इंशाल्लाह जाएगा, ठीक है। तो इमरान खान भी पहले 3-4 साल रह के जा चुके हैं और जितना कर्ज़ा इमरान खान साहब की हुकूमत में लिया गया है IMF से, उतना कर्ज़ा तो शायद कभी लिया नहीं गया, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो 50 साल से मुल्क को लोगों ने बर्बाद किया है, लूटा है, आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा ठीक करता है ना, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करता है। आप ये बताएं, इंडिया ने, आपने बोला इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान का नक्शा नाम नक्शे से, दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाए, इंडिया क्यों चाहेगा ये आज मुझे रीज़न बताएं, ताकि इंडिया से जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता चले कि इंडिया इसलिए चाहेगा। इंडिया का इसमें बड़ी वजूहत हैं, जिसके मिसाल दो रहा कि मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम मुस्लिम मुल्क हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते हिंदू गैर मुस्लिम हैं कि मुसलमान तरक्की क्यों कर रहा है, ठीक है। मुसलमान पहले नंबर पे, मुसलमान की बात नहीं पाकिस्तान की बात हो रही है, और पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा तो वो बर्दाश्त करने की बात ही नहीं है। दूसरे नंबर पर अगर आप मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान अफगानिस्तान भी मुसलमान कंट्री है, और जितना वो मुसलमान कंट्री है उतना शायद इस एशिया में इस टाइम कोई मुसलमान कंट्री नहीं है। तालिबान की हुकूमत है, पूरा शरी निज़ाम वहाँ पर नाफज है, वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हैं उनके, फिर पाकिस्तान कैसे कह सकता है कि इंडिया या मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मैं इस ये बात करूंगा मुख्तसर सी आपसे कि जो हमारा जो मुल्क है ना वो माशाल्लाह एक अच्छी कंट्री है और हम आज़ाद हैं यहाँ पे, और बाहर जाके देखें कि लोगों को थूकने की जगह नहीं मिलती, इतना इतनी स्ट्रिक्टनेस है, और अच्छी बात है ना, थूकना चाहिए भी नहीं, थूकना क्यों है, गंदी बात है ये। और इसके बावजूद हम जो है ना वो अपने अगर अपने मुल्क को मिलकर अवाम को लेके बड़े जो तो बेहतर बड़े लोगों के साथ चलकर आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा, आप बोलेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे, आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इनकी जितनी भी बातें थी बेसिकली इनकी गलती नहीं है, सोहेब भाई काउंटर करने लगे, सच्ची बातें बताने लगे तो उनको समझ में नहीं आई कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनके पास कोई फैक्ट्स थे नहीं, बस हवा हवाई कि हम एटमी मुल्क हैं और हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बताइए, थूकने पर भी कह रही है आप, तो भाई थूकते रहिए आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान को गंदा करते रहिए, आपको अपनी ज़मीन अपना देश गंदा करना है करते रहिए। कैसा लॉजिक दे रहे हो भाई साहब आप, वो बेचारे मुझे लग रहा है कि घबरा गए थोड़े से, तो कुछ भी बोल रहे हैं, जो मुँह में आया वो भी बोल दिया। चलिए अगले भाई साहब को सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद नवीद मशहूरी। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ।
स्टूडेंट है ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि पाकिस्तान दिन ब दिन बहुत परेशानी वाले माहौल में जाता जा रहा है, अभी हमारे अदारे भी बिकने की तरफ जा रहे हैं, PIA जो कि पाकिस्तान की पहचान कभी मानी जाती थी, अभी भी पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन वो भी बिकने जा रही है, रेलवे बिकने जा रही है, स्टील मिल बिकने जा रही है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये सारी साजिश करवा रहा है? देखें, मुल्क एक ही है मेरे ख्याल में, अमेरिका, और दूसरा इंडिया भी हो सकता है। इंडिया कैसे हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान पहले चल रहा था, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मतलब इमरान खान के दौर में, तो ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है इसकी वजह से, मतलब इमरान खान के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। हाँ हाँ जी, बिल्कुल तरक्की कर रहा था। आज इस वजह से इंडिया ने चाहा ऐसा करना। हाँ जी बिल्कुल। आपने ये कहा कि ये जो हुआ मामला हो रहे हैं ये इंडिया करवा रहा है या अमेरिका करवा रहा है, आप कहाँ से ये खबर सुनते हैं या कैसे आपको पता चलता है? जी बिल्कुल, ये इदारे हैं मतलब जो बिक रहे हैं। नहीं नहीं, कैसे पता चलता है कि इंडिया ये करवा रहा है? आप ये बोल देते हैं ना, हम आराम से कोई भी पाकिस्तान में मसला होता है हम बोल देते हैं इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, कैसे पता चलता है? ये जो इंडिया है ना, पाकिस्तान पहले तरक्की कर रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान की तरक्की से जलता है, पाकिस्तान तरक्की मतलब क्यों कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है जी, किस चीज़ में आगे जा रहा है बताएं जरा? हर चीज़ में आगे जा रहा था। अब ये चीज़ में कोई एक चीज़ बताएं। अब देखिए, पाकिस्तान एटमी ताकत भी है तो वो इंडिया भी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा है। क्या एटमी ताकत? जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास क्योंकि एटम बम बहुत ज़्यादा हैं और भी बहुत सारे मतलब जो मतलब कंडीशन है उसमें पाकिस्तान आगे है। कौन सी है इसके अलावा, कोई और बताएं जरा? और एजुकेशन में या फिर इकॉनमी में या मेडिकल में, किस में? इकॉनमी में पाकिस्तान इंडिया से आगे है, क्योंकि इंडिया में तो गुर्बत देख लें आप, बहुत ज़्यादा गुर्बत वहाँ पे है। वहाँ पे तकरीबन दो ही इदारे हैं, एक तो क्रिकेट है, एक या फिल्में उनकी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, ये दो ठीक है, बाकी सब फ्लॉप है, बाकी सब ख़त्म। हाँ बिल्कुल भाई, आप अपना नॉलेज को ज़रा, आप कौन से स्कूल कौन से अदारे में जाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा आप अपना यूट्यूब या फिर थोड़ा गूगल को भी देखा करें, वो इंटरनेशनल मीडिया को देखा करें। जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी इंडिया से बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की इकानमी इंडिया से बहुत पीछे है, और इसके अलावा इंडिया तो दूर की बात, बांग्लादेश से भी ख़राब माहौल चल रहा है इस समय। वो तो इस दौर मतलब इम्पोर्टेंट हुकूमत जब आई है, उससे पहले भी, उससे पहले अब ये देख लें ना, इमरान खान के दौर में मतलब तरक्की हो रही थी, ऐसे ऐसे पाकिस्तान आगे बेहतरी की तरफ जा रही है, जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है से मामला तो। हाँ मजदूर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो पाकिस्तान में ये सारे हालात हो रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है, कौन सा मुल्क इसमें इन्वॉल्व है या पाकिस्तानी खुद इन्वॉल्व है? सर देखें, इसमें तो सारे इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तानी हुकूमत भी है, और इसमें देखो कि अब पाकिस्तानी हुकूमत चार घर हैं पूरे पाकिस्तान में, ये चार घर अगर मिलकर हुकूमत चलाएं तो पाकिस्तान बहुत बिल्कुल बेहतर हालात में जा सकता है। नहीं वो ठीक है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे साजिश किसकी है, अमेरिका की है, इंडिया की है, चाइना की है, रशिया की है, किसकी है? इसमें सिर्फ दो मुल्कों की है, अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया की कैसे? इंडिया की इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा है। अच्छा, दूसरे नंबर पर एटमी ताकत तो है हमारे पास, लेकिन उनके पास भी है, और सबसे बेहतर चीज़ है हमारे पास जज्बा, जज्बा पे मरते हैं वो लोग जो हैं वो हमारे से इसीलिए जलते हैं कि ये जज्बे पे हैं। अच्छा, ठीक है। आपको पता है हमारी उनके साथ कितनी जंगें हुई हैं? बहुत ज़्यादा, चार जंगें हुई हैं, तो उसमें से कितनी हम जीते कितनी वो जीते कुछ पता है? नहीं सर, इस बात का नहीं पता, क्यों ये जाके देखिएगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस में जज्बा है। जज्बा तो नो डाउट कोई भी मुल्क है उसके लोगों में जज्बा होता है, किस लेकिन में? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जज्बा। अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत नौजवानों में बहुत ज्यादा जज्बा इतना। जी जी, हुकूमत अगर हुकूमत चाहे आवाम को अगर चाहे कि जाओ आप लड़ो तो फौज हमारा पीछे होगा और आवाम जो है ना आगे होगा। हमारे पास जो ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा जब हमारे पास है तो हमारे पास कोई ताकत की जरूरत नहीं है। तो ये कलमा हमारे पास अभी आया या जब से पाकिस्तान बना तब से? असल बात है हमने अपना रास्ता छोड़ दिया ना। नहीं, तो फिर पाकिस्तान बन, मेरी बात एक मिनट, पाकिस्तान बना उसके बाद चार जंगे इंडिया के साथ हुई, उसमें से तीन शायद हम हारे। जब अयूब खान का दौर था लोगों के कितने जज्बा था, जाके टैंकों के नीचे लोग जज्बा तो था ना। अभी उसको उस वक्त पाकिस्तान क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको ये कैसे हुआ, ये सारा कुछ कैसे हुआ, मतलब जज्बा कैसे ख़त्म हो रहा है? या अगर बात जज्बा हमारे लीडरों ने ख़त्म किए, ये अभी जो चार वज़ीर आज़म हैं इन लोगों ने ख़त्म किए,
इन लोगों ने अच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर जज्बा इतना ही है, छोड़िए लड़ाइयों की बात, वो तो हम सब जानते ही हैं, जज्बा अगर होता तो आपकी एजुकेशन पॉलिसी का क्या है, आपके यहाँ एजुकेशन क्यों ठीक नहीं है, जज्बा अगर होता तो आपके यहाँ इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है। एक भाई साहब गरीबी की बात कर रहे थे, 36-34% आपके यहाँ 38% गरीबी है, हमारे यहाँ 6-7% है। अगर आपके यहाँ जज्बा होता तो मैन्युफैक्चरिंग आप क्यों नहीं करते, आपके यहाँ खुशहाली क्यों नहीं है, अगर आपके यहाँ जज्बा होता तो आप इस समय कर्ज मांगकर कर्ज पे जिंदगी अपना देश कैसे चला रहे होते। अगर जज्बा होता तो ऊपर वाला आपका जो खुदा जिसको आप मानते हो वो भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? जज्बे से रोटी नहीं मिलती, एटम बॉम्ब से रोटी नहीं मिलती। जो सोहेब भाई बात कह रहे हैं आप उन लोगों को समझिए, वो आपको पॉजिटिव बात बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां है, और अगर गलती स्वीकार करने से कोई हर्ज नहीं होता, अपने आप को सुधारना पड़ता है, लेकिन आप जिद पकड़कर अगर बैठे रहेंगे तो आप सुधर नहीं सकते, और इसीलिए 75 साल से पाकिस्तान जिद पे अड़ा है। आप ही के पीएम साहब ने कहा था कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो इस वक्त नौबत घास की रोटी खाने की आ गई है। एटम बम रोटी दे रही है आपको, एटम बम से आपको रोटी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है? हमारा एटम बम ताकतवर है, आपका एटम बम ताकतवर है, कैसे पता चलेगा? एटम बम का इस्तेमाल हुआ है कि पता चल जाएगा? कहने से कि जी मैं तो सवा शेर हूं, किसी से मुकाबला ही नहीं हुआ फिर भी मैं सवा शेर हूं, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल होके सोचिए, जज्बाती रहेंगे तो ऐसे ही देश की हालत और अपने घर की हालत करते रहेंगे। जज्बे से भूख नहीं मिटती है। पाकिस्तान को जो है ना टेक भी चला है अमरीका, जेको इमरान खान जाके अकवामी मुहिदा में अकवामी मुतामे जाके उसने शुरुआत जो किया कलमी से किया। हमारा ईमान ये है, हमारा ईमान है, हमारा मुल्क जब हम हैं तो मुल्क है, जब हम नहीं है तो मुल्क क्या है? बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुज्तबा। क्या करते हैं? मैं काम करता मजदूरी करता। मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपने यह खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े जो मेन अदारे हैं, जैसे PIA हो गया, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, ये सारी चीज़ें फॉर सेल पे लगा दी गई हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, क्या इसके पीछे इंडिया की साजिश है? बिल्कुल इंडिया की साजिश है। कैसे इंडिया की साजिश है? हर चीज़ के पीछे इंडिया की साजिश होती है। वो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। तो भाई वो तबाह करना चाहता है तो आपने उसके कहने पर फॉर सेल क्यों लगा दिया? अगर लेट्स सपोज वो तबाह करना चाहता है और उसके कहने पे फॉर सेल हमने लगाया, क्यों लगाया? देखो उन्होंने पैसे कमाने के लिए सारा ये काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हुकूमत आई है ये इंडिया के कहने पे, आवाम के, आवाम पे कोई नहीं मसला नहीं है, आवाम को कुछ नहीं जानते, आवाम को कुछ नहीं जानते, तो ये पिस रही है, मर रही है, भूखी मर रही है। वो तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की आवाम इस टाइम पिस रही है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इन्वॉल्व है? इंडिया, अमेरिका, चाइना? इंडिया और अमेरिका, चाइना हमारा दोस्त में लगा। चाइना नहीं इन्वॉल्व, चाइना तो ये दारे खरीद रहे, साथी है। अच्छा हाँ, इसराइल और अमेरिका, इंडिया। इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा, आपका क्या ख्याल है? इतनी आपकी उम्र है, कोई ख्याल होता है ना कि इंडिया इस वजह से हमारे खिलाफ है? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? मुझे नहीं पता ना, आइए हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये मदद कर रहे हैं। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद, भाइयों को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो लड़ाने, भाई भाई पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं जो कि मुसलमान कंट्री है, बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ, कोई वजह बताएं ना। इंडिया बोलेंगे कुछ, इधर आके आ जाओ। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम औरंगजेब। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा ट्रैफिक की वजह से जरा। क्या नाम है? औरंगजेब। क्या करते हैं? मजदूर हूँ मैं। मजदूर हैं। अच्छा, ये बताइए, जो हुकूमत गई है और ये जो अब नई हुकूमत आके ये सारा कुछ फॉर सेल पे लगा दिया, बड़े बड़े अदारे जो कि किसी मुल्क की पहचान होती हैं, PIA जैसे बात की जाए, एयरलाइन किसी भी मुल्क की, उस मुल्क की पहचान होती है, उसे जब बेच दिया जाए तो अपनी पहचान को ही आपने बेच दिया, ये किसके कहने पर हो रहा है? देखें, ये हम तो मज़दूर आदमी हैं, हमें तो इसके बारे में नहीं इलम है, ये बड़े लोगों का काम है, वही इसके बारे में। एक आइडिया होता है ना, कौन हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, कौन दुश्मन है, कौन ये सब कुछ करवा रहा है? देखें, जो हमारे मज़हब इस्लाम है ना, उसके गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं ना, तो वो जो लोग हमारे इस्लाम की मुखालफत करते हैं तो वो सारी बातें हमारे दुश्मन ही हैं। ठीक है, अब हमारा ये हुकूमत का मसला है तो हुकूमत में कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, आज आ रहा है, तो ये उनका काम है, वो बेहतर जानते हैं इस सिलसिले में।
अब अगर इमरान खान है तो उसने अपने तरीके से हुकूमत की है, अब ये नून लीग आए वाले आए हैं तो ये अपने तरीके से हुकूमत कर रहे हैं। जो भी अपने अपने तरीके से हुकूमत कर रहा है, लेकिन बेड़ा गर्क जो हो रहा है, तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, गुर्बत में अगर मार रही है तो पाकिस्तान की अवाम है। तरीका हर एक सियासतदान का, हर एक हुक्मरान का अपना अपना है। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान की आवाम को ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भारत, अमेरिका, इसराइल दुश्मन है। आप एक बात बताओ, आप एक मेरे सवाल का जवाब दो, पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम आपको तबाह करने की सोचेंगे, आपको बर्बाद करने की सोचेंगे? और अगर हम करना चाहते हैं और आप हो रहे हो, आप सोचो ना, हम करना चाहते हैं और आप हो रहे हो, तो गलती किसकी है? गलती आपकी है। गलती आप कह रहे हो कि जी चार परिवार मिलकर चलाते हैं, उनको कौन चुनकर भेजता है, उनको वोट कौन देता है? आप लोग देते हो, वहां की आवाम देती है। इन सब की जिम्मेदार वहां की आवाम है। मैं वहां की सरकारों को भी दोष नहीं दूंगा, मैं आप लोगों को दोष दूंगा कि आप लोग नेता कैसा चुनते हो। आप लोग जब वो काम नहीं करते तो उनका घेराव क्यों नहीं करते? आप लोग जब वो आपकी जरूरतें पूरी नहीं करते, महंगाई कम नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको जीना मुहाल क्यों नहीं कर देते? हाथ पर हाथ धरकर बड़े बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो आप करोगे नहीं, आप सोचोगे हमने तो दे दिया वोट, सब अपने फायदे के लिए वोट देते हो आप लोग। अरे 75 साल हो गए, 75 साल में तबाह करना होता तो आपको हम तबाह कर चुके होते। एक भी बार हमने आप पर हमला नहीं किया है, यह तो ऑन रिकॉर्ड है। आपके सेना के बड़े बड़े अफसरों ने यह कहा है कि हर बार, चारों बार पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर। वो तो शुक्र मनाइए कि हमने अपनी तरफ से अलग से अटैक नहीं किया आप पर। इसके बावजूद भी आप लोगों की नीयत ऐसी है, तो आपकी सोच, आपकी नीयत ही आपको डुबा रही है। आपका नाम? असमतुल्लाह खान। क्या करते हैं? ये रेडी लगा रहे हैं इधर। रेडी लगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो अब वो ये सोच रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारे हैं, नेशनल अदारे हैं, जैसे PIA है, पाकिस्तान एयरलाइन, इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, ये रेलवे का सिस्टम है, इसके अलावा स्टील मिल जो सी है पाकिस्तान की, इन सब को बेच दिया जाए। कोई चाइना ख़रीदने का रजामंद है, कोई अमेरिका ख़रीदना चाह रहा है, क्या समझते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? तो ये तो बात है, क्या करिए, तीन इदारे हैं, ये बिक गया तो पाकिस्तान को, सारे बेच दिया तो पाकिस्तान में क्या रहेगा? इतना महंगाई हो जाएगा, अभी महंगाई है, लोग कुछ नहीं खा सकते, गरीब लोग का आवाम मर गया, यानी हर चीज़ महंगा हो गया, कुछ भी नहीं है। पर ये इदारे अगर बिक जाए तो फिर आवाम को क्या मिलेगा? ये महंगाई हो जाएगा और महंगाई हो जाएगा। तो बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ये इदारे बिकेंगे, नुकसान होगा, और ख़ास तौर पर अगर बाहर के ममालिक में से कोई ख़रीदेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन इसमें किसकी साजिश है? अमेरिका की साजिश है या किसी और मुल्क की साजिश है, किसकी साजिश है? ये सब अमेरिका का साजिश है, उसको पता है कि पाकिस्तान को नहीं छोड़ते आराम। अमेरिका के अलावा कोई और नहीं? अमेरिका के साजिश भी है, बरतानिया का भी है, ये दूसरों का भी है। इंडिया की कोई है या नहीं? इंडिया का तो बड़ा ताकत है, उसको वो तो जाता है पाकिस्तान टूट जाए, ख़त्म हो जाए। इंडिया का तो ये मसाला है, इंडिया तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान सही रहे। इंडिया क्यों ऐसा चाहता है? तो वो इंडिया का तो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान से आज़ादी, इंडिया से आज़ादी हासिल किया, वो नहीं छोड़ दे को वो पाकिस्तान को छोड़े, वो कश्मीर को नहीं छोड़ दे कि कश्मीर पे की हालत है, वो नहीं छोड़ दे कि पाकिस्तान सही रहे तो कश्मीर भी उनसे चले जाएगा। यही मसला है कि वो इंडिया नहीं जाते हैं, अमरीका नहीं जाते हैं, क्योंकि रूस और चाइना का मसला है, पाकिस्तान रूस और चाइना के बीच में है, तो वो नहीं जाते अमरीका की ये वो ऐसे मसलन सही रहे, तो ये इसकी वजह से कोशिश कर दे कि उसके इदारे भी बिक जाए, सब बिक जाए और मुल्क को तबाह करें। अभी कितना महंगाई है, इमरान खान की हुकूमत था सब कुछ सही चलता था, हर जिस गरीब आदमी को रोटी सब कुछ सही मिलता था, इदारे सही था, इदारे सही था, सब कुछ सही चलता था। हाँ, इन्होंने बस ज्यादती किया, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, आगे बस अभी इदारे अभी ये चीज़ें बेच रहे हैं, तो ये बिक गया तो पाकिस्तान ही बिक गया, पाकिस्तान बिक गया। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप इंडिया वालों को क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी मैं बिल्कुल देना चाहूँगी इंडिया वालों को, ये मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी हरकतों से बाहर आ जाए तो बेहतर है। जब हमारे पाकिस्तान जब खड़ा हो जाएगा ना एक जज्बे के मुताबिक, तो फिर इंडिया का ये हवा अभी नहीं खड़ा हुआ, अभी इससे और क्या हालात ख़राब होंगे कि खड़ा होगा? अभी तो हमारी जो ये गरीब आवाम है देख रही है, जब देखेगी
इनको बर्दाश्त कर रही है। जब ये हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े होंगे ना, फिर इंडिया वालों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। खैर, उनके भी बड़े भाई मौजूद हैं, लेकिन ठीक, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं? मालिशों का काम। अच्छा, मालिशों का काम करते हैं। ये मुल्क के जो हालात इतने बुरे हो रहे हैं, हमारे अदारे बिक रहे हैं, PIA बिक गया, हमारी जो रेलवे है वो बिक रही है, इसके अलावा स्टील मिल बिकने की तरफ जा रही है, ये सब कुछ कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है? ये इंडिया के लोग ही करवा रहे हैं, और कौन करवा रहे हैं? ये हमारी हुकूमत है, ये पैसा खा रही है इंडिया से। हाँ जी, हमारी हुकूमत तो पाकिस्तान तो कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ है, फिर पैसा कैसे खा रही है? खिलाफ खलूफ कौन नहीं रही है, माल खादी जा रहे हैं, गरीब आम वड्डी जा रहे हैं, इंडिया वाले करवा रहे हैं सारा कुछ। इंडिया वाले क्यों करवा रहे हैं, क्या वजह है कि इंडिया वाले करवाए? वो कहते हैं ये आज़ाद कश्मीर हमारा हो जाए। तो आज़ाद कश्मीर हो ना, आज़ाद कश्मीर का ये पाकिस्तान से तो इतना नहीं है, पाकिस्तान तो सही चले। तो जब हम आज़ाद कश्मीर हमारा है, तो इंडिया वाले कैसे ले सकते हैं इसको? कैसे हमारा, ये हमारा आज़ाद कश्मीर है, जब वो आज़ाद कश्मीर ले लेंगे तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद बीच आ जाएगा। अच्छा, आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, पाकिस्तान खुद बहुत बीच में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये किसने बताया कि भाई आज़ाद कश्मीर वो हमारा है या उनका है? ये मामला था, ये हालात दुनिया के बता रहे हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे भाईजान? आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये पाकिस्तान के हालात हैं, इसके पीछे किसकी साजिश है, अमेरिका की, चाइना की, रशिया की, इंडिया की, कौन इसमें इन्वॉल्व? ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका है इसमें और इंडिया मुलव्वस है। कैसे जाहिर हो रहा है, आपने क्या साफ जाहिर हो रहा है, आगे थोड़ा सा ना, आप देखिए, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो सबको ठीक चल रहा था, हाँ, लेकिन थोड़ी महंगाई थी। थोड़ी महंगाई, महंगाई तो हम लोग, मैं समझता हूँ, कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, लेकिन जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने तो बेड़ा घरा करके, अब कल की रिपोर्ट में देख ले, इन्होंने बयान जो कि हर बंदे पे टैक्स लगा दिया, सलून पे टैक्स लगा दिया, जितने भी कारोबार कर, कोई भी काम मोटा कोई भी कर रहा है तो वो उस पर टैक्स लगा दिया। टैक्स नहीं, आपकी करेक्शन कर दूं, एक्स्ट्रा टैक्स तो ऑलरेडी हम दे, टैक्स हम पहले ही दे, एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने, सुपर टैक्स, सुपर सुपर बहुत बड़ा, जो हम गरीब लोग मैनेज नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, नहीं टैक्स लगा दिया, ये सारा कुछ हो गया, इसके पीछे ये हुकूमत क्यों नहीं इस तरीके से कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही, क्या वजह? क्या करेंगे इनके, देखे इंडिया में कितनी फैक्ट्री है, सारा उधर कारोबार इनका है, ये हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, इधर तो कुछ दे नहीं रहे, जब से हुकूमत ये आती है ये बस खा जाती है, इनकी देख ले कितनी टेक्सटाइल मिल रहे हैं, टेक्सटाइल मिलने हैं, और ये अगर चाहे तो पाकिस्तान का हालात बदल सकते हैं, इनके पास इतना पैसा है, लेकिन ये खुद से पैसा नहीं लगाएंगे, ये खाएंगे बस। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं इंडिया में रहता हूँ और मुझे नहीं पता कि कहाँ पे नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल मिले हैं। भाई किसी को हमारे यहाँ इंडिया में पता हो भैया तो फैक्ट्री का पता बताना यार, मैं वो फैक्ट्री देखना चाहूंगा जरूर, जहाँ पे पाकिस्तान के लोगों की फैक्ट्रियां हैं, ये मैं देखना चाहूंगा, जरूर देखना चाहूंगा, बड़ा मजा आएगा यार। कैसे ये लोग ये सोच लेते हैं, कैसे आप भरोसा कर लेते हो इन बातों को, और ये कहां से खबरें आती हैं? सोहेब भाई भी मुझे लग रहा है ये जानना चाह रहे थे कि भाई इन लोगों को ये सारी जानकारियां मिलती कहां से हैं, कैसे पता चलती हैं, लेकिन वो भी बेचारे ढूंढ नहीं पाए, वो बेचारे लाख कोशिश कर रहे हैं सुधारने की, लेकिन लोग सुधरने का नाम ले रहे हैं। सोहेब भाई बहुत मुश्किल काम कर रहे हो आप इसके बारे में। मुल्क के हालात इतने खराब हो रहे हैं दिन ब दिन, अब आपको इस चीज़ का पता है कि कल खबर आई है कि जो बड़े बड़े अदारे हैं, जैसे PIA है, इसके अलावा रेलवे है, इसके अलावा स्टील मिल है, जो पाकिस्तान की पहचान है, ये अदारे वो बेच रहे हैं यानी, और वो भी बेच किसे रहे हैं, अमेरिका को, चाइना को, क्या कहेंगे, इसके पीछे किसका हाथ है या कौन मुलव्वस? अमेरिका का हाथ है, जो सब कुछ खराब हो रहे हैं, टैक्स लगेगा कि और वजह है ना, ये सारे अमेरिका हाथ है, इंडिया का भी है इंडिया का भी हाथ है। कैसे? ये जो मौजूदा हुकूमत आया ना, वो ये इसके वजह से आया, लेकिन वो जो सबका हुकूमत है इमरान खान का, वो अच्छा हुकूमत है ना, सब कुछ ठीक लग रहा है, वो जो गरीब मुलाजिम लोग हैं ना, वो भी अच्छे से रहे, कहते महंगाई नहीं है, अभी जो ज्यादा महंगाई हो रहा है, टैक्स लगेगा, टैक्स ऊपर एक दिन हम सुबह को टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा। गरीब बंद क्या करेगा, उसका दिहाड़ी 500 रुपये और उसका खर्चा है तकरीबन 2000 रुपये एक दिन का, वो क्या करेगा, खुदकशी करेगा या किसी और? ऐसा ही हुकूमत का ये हाल है ना, वो जो इमरान खान हुकूमत है वो एक नहीं 100 दफा चाहे इस हुकूमत से, फिर वो आएगा तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी? पाकिस्तान की जो आम आवाम है, जो कि इतनी एजुकेटेड नहीं, जो एजुकेटेड है उनके भी रिव्यूज़ आप देखते हैं,
खैर लेकिन जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है उनके रिव्यू आप तक मैंने पहुंचाए। और इस हवाले से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क में इन्वॉल्वमेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क के लोग खुद अपने मुल्क के साथ कुछ बेईमानी, कुछ दोगलापन या फिर कुछ नाइंसाफ़ी ना करें। जब हमारे हुक्मरान अपने मुल्क के साथ सिंसेयर नहीं तो ही कोई दूसरा मुल्क, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो अमेरिका है, कोई भी मुल्क पाकिस्तान में तब ही इन्वॉल्वमेंट करेगा जब उसे पाकिस्तान के हुक्मरानों का साथ होगा। इसलिए पाकिस्तान की आम आवाम को चाहिए कि वो किसी पर भी ब्लेम करने से पहले, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने आप पर, अपने हुक्मरानों पर इल्ज़ाम लगाएँ, फिर किसी और पर इल्ज़ाम लगाएँ। ये मेरी ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और सोहेब भाई ने जो आखिर में बात कही ना कि पहले अपने आप को देखिए, पहले अपनी सरकार को देखिए। दूसरों पर आरोप लगाना तो बहुत आसान है, उंगली उठाना सामने वाले पर सबसे आसान काम है दुनिया में। आसान वो नहीं है कि खुद को देखना कि हमने खुद ने क्या किया। आप इसके लिए जिम्मेदार हैं और मैं ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसके लिए वहां की आवाम जिम्मेदार है। सरकार वही चुनती है, वोट वही देती है, आप उखाड़ फेंको ना अगर नहीं कर रहा है तो आप चढ़ जाओ। सरकार पुलिस जनता से ज्यादा संख्या में है क्या? नहीं है ना। आप क्यों चुनते हो उनको? आपने क्यों शहबाज शरीफ को पीएम बनने दिया? तो गलती आपकी। ये तो हो गई जज्बाती बात, अब आता हूं फैक्चुअल। फैक्चुअल बात यह है कि जिस इमरान खान के तारीफ के आप लोग कसीदे गढ़ रहे हो, उस इमरान खान ने आपके देश को दसियों बीसियों नहीं तीसियों चालीसों साल पीछे ढकेल दिया है। जितना कर्जा पिछले 70-71 साल में आपके पाकिस्तान ने लिया था 58% था, और 4 साल में इमरान खान ने उस कर्जे का 48% या 42% कर्जा ले लिया। इमरान खान तो कहते थे कि मैं ये बदल दूंगा, नया पाकिस्तान है, सब कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या हुआ? कर्जे पे जिंदगी, कर्जा उन्होंने जितने पूरे इतिहास में जितना कर्जा नहीं लिया गया, आपने उतने 4 साल में कर्जा ले लिया। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपने क्या रोजगार के नए अवसर पैदा किए? क्या आपने फैक्ट्रियां लगाई? क्या आपने नौकरियां दी? क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से मुल्क नहीं चलता, बड़ी बड़ी बातें करने से आवाम को रोटी नहीं मिलती। आपने एक भी काम नहीं किया इसमें से, और जिस हालत में आप छोड़ के गए हैं, मैं शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, मैं तो इमरान खान का सपोर्टर हूं। इमरान खान मुझे बड़े पसंद थे पहले, लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने 4 साल में किया है वो मुझे लगता था कि कुछ अच्छा करेंगे पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के युवाओं के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। और यह आप लोगों को बात अभी समझ में नहीं आ रही है। आप बताओ कि आप पर अभी तक 10 रुपए का कर्जा था, ठीक है, आपके ऊपर एक मालिक ऐसा आ गया जिसने आपके ऊपर 50 रुपए का कर्जा लाद दिया और लाद के चला गया। अब अगला जो मालिक आएगा उसके पास तो 50 रुपए का कर्जा है ना उसके सिर पे, वो क्या करेगा? उसके पास आपके सरकारी कर्मचारियों को पैसे, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, उसके पास चीजें इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, उसको कर्जा लेना पड़ रहा है क्योंकि उसको तेल खरीदना है, क्योंकि उसको आटा खरीदना है, क्योंकि उसको गंदम खरीदना है, क्योंकि उसको चावल खरीदना है, हर चीज तो आपको इंपोर्ट करनी है, तो कहां से आएगा? आपके पास खजाना खाली है, खजाने में पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे होते हैं तब जब आप सरकार कमाई कर रही होती है, सरकार के पास कमाई का कोई साधन नहीं है, और अब आप ब्लेम करने लगे। आपका देश है, आपके नेता हैं, आपकी सरकार है, आप समझो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप सड़कों पर उतरिए, आप उस सरकार को उखाड़ फेंकिए, आप नई सरकार लेकर आइए। आप क्यों वोट देते हैं उन्हीं 4 परिवारों को? कोई दूसरे को खड़ा कीजिए, कोई दूसरा सामने आए, क्यों नहीं आता? इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हैं, पाकिस्तान की आवाम ही अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार है। तो दूसरों को दोष मत दीजिए कि अमेरिका ने करा दिया, भारत ने करा दिया, इसने करा दिया, उसने करा दिया। पहले खुद को सुधारिए, खुद में गलतियां ढूंढिए, उन गलतियों को दूर कीजिए और अपने आप को मजबूत बनाइए, तब कहिए कि भाई दूसरे ने आपको धोखा दिया है, दूसरा इन्वॉल्व हो रहा है। उंगली उठाना सबसे आसान काम है, वही काम आप लोग कर रहे हो, अरे बड़ी बेसिक इंसानी फितरत है, हम नहीं करते ऐसा। इसीलिए हम आज $3.5 trillion की इकोनॉमी हो चुके हैं और आप $250 billion की इकोनॉमी बैठके हुए हो 75 साल। आपके बाद बांग्लादेश नाम का नया मुल्क बना,
उसने 50 साल में इतनी तरक्की कर ली कि वो आपसे आगे निकल गया, इसके बाद भी अगर आपको शर्म नहीं आती है तो भैया आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तबाही निश्चित है। तो बचना है तबाही से तो ये दूसरों पर उंगलियां उठाना बंद करिए और काम करिए। जल्दी हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जो वीडियो ही खत्म, बड़ी थोड़ी सी लंबी वीडियो थी यार, सवाल इसमें हम तो जवाब भी हो गए, सवाल भी हो गए, वो सब कुछ अपना लोग सर ने क्लियर कर दिया, जवाब तो लोग ने दे दिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब आप किसी पर एक उंगली करते हैं तो आपको पता नहीं चार उंगलियां आपकी तरफ भी होती है, तीन चार, ये देख लेना, ये एक आप उधर करेंगे ना, ये तीन अपनी तरफ आपकी होगी, तो आप खुद की तरफ ज्यादा हो जाएंगे। अगर किसी पर उंगली उठाने से पहले आप ये सोच लें कि आप में कितनी बुराई है, तो मेरे ख्याल में आप किसी पर उंगली उठा ही नहीं सकते। और ये बात अगर मैं लागू करूँ पाकिस्तान पर, पाकिस्तान उंगली उठा क्या, पाकिस्तान तो आँख भी नहीं उठा सकता। पाकिस्तान जिस हालत में चल रहा है, पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ कि किसी के जूते उठाने के काबिल भी नहीं है। मैं गलत बात बता रहा हूँ, चाहे आप इससे डिसएग्री करें भाई खूब, लेकिन हाल ये है कि हम हकीकत बात है, हम तो किसी पर उंगली उठाना तो बहुत दूर की बात, हिम्मत वाले उठाते हैं, वो उठा सकते हैं जब वो खुद ठीक हो, जिसके खुद घर में खाने का कुछ हो, जिसके खुद आवाम खुशहाल हो, जिसके खुद आवाम एजुकेट हो। तो आपने देख तो लिया कि हमारे आवाम कितने एजुकेट है भाई। एक स्टूडेंट था और मुझे अफसोस है उस स्टूडेंट पर, बाकी चले मान लिया अनपढ़ होंगे उनमें से, तो यार वो तो कहीं इसमें भाई चले गए तो फैक्ट्री एरिया में जाओ, मजदूर काम भाई, ओवरऑल जो पाकिस्तान का पेट तो भाई सुनो, जो ओवरऑल पाकिस्तान का ना तालीम का लेवल बहुत लो है भाई, तो है मरते इतना भी क्या गुजरा नहीं गुलजार के, किस बंदे को सवाल का जवाब ही ना आए। असल में बात यह है कि जो जिद है ना, जिद और जिद और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझना, यही सबसे बड़ी बीमारी, इसी वजह से आज हम आई कर रहे हैं भाई। मैंने व्यूज देखे लोगों के, लोगों ने कहा कि हम सुपर ताकत हैं, किसी ने ये तक कह दिया कि हम तो सुपर ताकत हैं, ओ अल्लाह के बंदो, ओ यार क्या आपने उसको चाटना है वो, क्यों आप न्यूक्लियर पावर बन गए, क्या आपको वो आपके अवाम को वो रोटी दे रहा है, क्या आपके अवाम को वो नौकरियाँ दे रहा है, वो जो आपकी ताकत है न्यूक्लियर पावर, क्या आपके अवाम को वो क्या क्या दे रहा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। भाई जिसका भी बात ये करते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है, सबसे पहले ये बात करता है कि हम और इसके खिलाफ, इसके खिलाफ यूएन में इतने सख्त है ना शंक्स, जो इसके खिलाफ इस लेवल की या इस की तरह की बातें करता है ना, उस पर भी लग जाती है सैंक्शन। आप कह रहे हैं तक और क्या दिया न्यूक्लियर पावर आपको, ताकत ही पाकिस्तान को ले डूबी है, यही भरम है कि पाकिस्तान एकेडमी ताकत है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता, अल्लाह के आसरे चलने दो भाई यार। ये तो अच्छी बात है, आदमी आए ताकत वाले हैं, लेकिन इससे आगे भी कुछ करना पड़ेगा भाई, हम एकेडमी ताकत है और हर साल कर्जा लेते हैं, ये कौन से कागज वाले, तो मेरा भाई भी इसमें सियासतदान मुलव्वस है, इसमें आवाम भी मुलव्वस है, ये दोनों ने मिल के ये बनाया है। आज ही आवाम में शोर आ जाए ना तो रोडों पे निकल आए, मारे पीटनी बोले भी पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाए, नवाज शरीफ जरदारी को हम ना मानते ही नहीं और हुकूमत को मानते ही नहीं, हम इसको नहीं चलने देंगे, किस इदारे को नहीं चलने देंगे जो इस हुकूमत को कबूल करेगा या चलाएगा। मैं देखता हूँ नई इलाके से हुकूमत नहीं आती, एक नया बंदा खड़ा कर दे, चलो इमरान खान को जो नहीं मानते चलो इमरान को पीछे कर दे, आप एक नया स्टूडेंट को लड़का ले आ जो अकल हो शऊर हो जो कंट्री को लेके चल सके, कोई ऐसा बंदा आम बंदा खड़ा हो जिसे इंडिया में खड़े हो सकते हैं भाई, एक आदमी कभी भी पाकिस्तान को लेके नहीं चलेगा मेरा भाई, उसके साथ आवाम की ताकत होगी ना पाकिस्तान नहीं, मैं ये नहीं कह रहा एक बंदा निकल पड़ा भी मैं पाकिस्तान सुधार दूंगा नहीं, अच्छा। उसके साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम की ताकत होनी चाहिए, उसकी वोट की ताकत होनी चाहिए, जो उसे लेके वजीर आजम सीट पे आएगी और फिर वो उसके पास फिर अख्तियार होंगे, वो अपनी सीट पर आएगा, उसके पास देने को कुछ नहीं है, मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो पाकिस्तान मेरा भाई सब कुछ है पाकिस्तान में, अल्लाह का दिया है सब कुछ है, हर खजाना है, सोना है, तो आगे भी आगे है, हर चीज इधर है, लेकिन हमारे पास अकल नहीं शऊर नहीं उसको तराशने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको अपनाने के लिए, कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई जमहूरियत तरीके ढंग से करने की है नहीं, किसी ने जमहूरियत की मुझे बता, बस जमहूरियत का नाम ही है, सियासत का नाम ही, बस पार्टी बनाई पैसे बढ़ाए
बाहर की कंट्री में चला गया, लंदन चला गया। लोग साहब ये बात करते हैं कि मैं इमरान खान का बहुत बड़ा फैन था और उसने काम नहीं किया। आपने लोग साहब आपने जवाब दे दिया है कि आपके पास कुछ कर्जा ले लेके जो पिछले हुक्मरान है वो आपको आपके मुल्क को मकरूज कर चुके हैं, आपको तनख्वाहें देनी है, इसको मुल्क आगे लेकर जाना, उसको जो कर्जा लिया है उसका कर्जा भी देना अदायगी करनी है, तो आप कैसे मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे? यही बात इमरान खान साहब को लेकर डूबी है सर आपका। मैं बता इमरान खान को कर्जे के अलावा किधर जाता है यार सरदारी नवाज शरीफ की तरह, अगर वो उतार देते आज एक मिनट, चलो इमरान खान ने तो बदावा किया, वो उसने कर्जा ले लिया, मजबूरी में उसकी मजबूरी थी लेना, क्योंकि कर्जों को उतारने के लिए कर्जा तो लेना था, उसके पास खजाने में भी नहीं था, इमरान खान के पास भी नहीं था। नवाज शरीफ सरदारी के पास इतना पैसा है, कई बंदों ने बोला वो अनपढ़ सही, लेकिन उनके पास इतना पैसा है जो कर्जा उतार सकते हैं पाकिस्तान में टोटल। अच्छा एक मिनट बात, तू इमरान खान को ब्लेम लगा रहा है, उसे ठहरा रहा सारा इल्जाम, तू मेरा भाई इनको बोल कर नवाज शरीफ और सरदारी दोनों मिल जाए, आज हुकूमत उनकी है, वो भाई मैं कर्जा उतार दे, पाकिस्तान को कर्जे से मुक्त कराना था, कर दे भाई। नहीं तुझे समझ आ रही है, तू मुझे इस बात का जवाब दे, इमरान के पास तो ना पैसा था ना खजाने में पैसा था, वो जाते वक्त 22 बिलियन रुपया छोड़ के गया टैक्स का, नवाज शरीफ को बोल जरदारी को बोल वो अपने सारी जायदाद ले कर्जा उतर जाएगा। मैंने बात किया, तू यही कह रहा है इमरान खान ने कर्जा क्यों लिया है? ये पागल है भाई यकूब भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ, अलोक साहब ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इतना कर्जा लिया, मैं भी वही बात कर रहा हूँ। कर्जा तो उसने लिया है लेकिन ना लेते किधर जाते बता मुझे। वो तुम्हारी बात तो मैं ही कर रहा हूँ कि उसको कर्जा देना दे अदायगी करने के लिए उसने कर्जा लिया है, तो लोग चलो मैं भी तो वो कह रहा हूँ, नवाज शरीफ को तो बोल रहा हूँ को तो बोल भाई, उसको तो बोल इमरान का नहीं उतार सकता था अपने पैसों से, इनके पास तो रीड कर लिया कर भाई, तेरी रीड है, तेरी बात मैंने सुन ली, जो तू कहना चाहता वो ही मैं भी कह रहा हूँ, मौजूदा जो क्रांति हमारी हुकूमत चल रही है इसके पास इतना पैसा है कि हमारे मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं। किसके पास पैसा है? नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पास पैसा है इतना, इससे कर्जे से ज्यादा पैसा है, कोई पैसा नहीं है, सरदारी के पास ज्यादा पैसा है, मेरा भाई अगर ये चाहे तो मुल्क का कर्जा उतार सकते हैं भाई। को बात ये है किसी से पैसा लेने नहीं पड़ेगा, हमारे अवाम का कसूर है, हमारे वो तो है ही, हमारे हुक्मरानों का कसूर है, इंडिया को क्या पड़ी कि एक भूख मरते है। टाइटल ये है हमारी वीडियो, ये है इंडिया क्यों चाहेगा, अमेरिका क्यों चाहेगा, आपके पास है क्या यार? मैं कहता तू इन सवाल को छोड़, मुझे एक बात आप बता रहे थे आवाम को छोड़ता यार, तू छोड़ दे रही बात, मैं यही क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, इंडिया है वो क्या है पाकिस्तान, क्यों वो करेगा इस तरह पाकिस्तान यार? वो और तरीके की बात है जो करनी पड़ती है बंदा करेगा, किसी और एजेंडे पे बात करने की है वो कभी बताऊंगा तुझे, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा ये जो उन्होंने जवाब दिए सभी ने कि इंडिया साजिश कर रहा है पाकिस्तान बेरोजगार हो जाए, इंडिया से कुछ भी नहीं कर रहा ना अमेरिका। एक बात है पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्टर नहीं हो सकता, ये तो मानने की बात है, जैसे भी इसको करना पड़े ये कभी डिफॉल्ट नहीं हो खत्म। मैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे में भाई मैं इतना लोग की बात से आगे बात बढ़ाऊंगा, अगर हमारी आवाम ठीक हो जाए, हमारे हुक्मरान ठीक हो जाए, हमें किसी से कर्जा नहीं लेने पड़ेंगे, कोई भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, तो दूसरी बात है मैंने पहले भी गुलजार बोला, मेरा भाई हमारे सियासतदान अगर चाहे दूसरी कंट्रियों की तरह हुकूमत चलाना चाहे तो मेरा भाई हम भी हमारी कंट्री ऊपर उभर सकती है, उनके पास भाई अकल ही नहीं उभरा, वो सिर्फ एक नियत सोच लेके आते हैं, मैंने 3-4 करोड़ लगाया, मैंने 5 लगाया, मैंने वो बनाना है किसी भाई, ये जब से सोच निकलेगी कि अपने फायदे पीछे रख कर किस तरह आप तो देख रहे स्टील मिल को गिरवी रखने जा रहे हैं, रेलवे को गिरवी रखने जा रहे हैं, जब तक इससे क्या होगा हमारा दिवाली होगा, इससे भी बुरा होगा, जो सियासतदान है अपने फायदे छोड़ के पाकिस्तान का बारे में सोचने लग पड़ेंगे कभी पाकिस्तान आगे जाएगा। लेकिन आज तक तो गुजार हमारे सियासतदान जो इमरान खान के अलावा किसी सियासतदान ने जब तक ये सोच आएगी कि पाकिस्तान का हमने कर्जा उतार है, पाकिस्तान से हम तनख्वाह देंगे और अपना कुछ कर्जा अदा करने में अपना आप देंगे, उस वक्त पाकिस्तान ऊपर जाएगा भाई। आज यूएई में जा रहे थे मोदी साहब, तो जब भी पाकिस्तान को लीडर गया तो यूएई के किसी भी जो यूएस के सराहना उधर बादशाह होते हैं जो उस वक्त उधर के बादशाह हैं, तो उन्होंने वेलकम जाकर खुद किया, उन्होंने एयरप्लेन से उतारा मोदी साहब को
मैं तो उधर ये टाइटल लिखा हुआ था कि आप देखें कभी भी ये नहीं देखा जाता कि मजहब क्या है, ये चीज आज देखी जाती कि मफाद क्या है, मुल्क तगड़ा कितना है, मुल्क इससे मुझे क्या मिल सकता है, तो भाई उसका प्रॉब्लम इसकी वजह से ही हो रहा है और क्या है। और मैं मेजर की बात से 100% वो अक्सर वीडियो में कहा था कि मुल्क दुनिया में दो अक्सर के मुल्क है, सिर्फ एक अमीर किस्म के और दूसरा गरीब किस्म। अमीर किस्म का जो मुल्क है वो दूसरे के साथ तलक मनाने की कोशिश करते हैं, गरीब जो है उनके तलवे चाटते हैं। और पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान गरीब से गरीब तर है और आज पाकिस्तान तलवे चाट रहा है, कभी IMF के, कभी चाइना के, कभी सऊदीया के, कभी UAE के, कभी टर्की के, कभी कुछ किसी के, कभी किसी के, और ये चाटते रहेंगे जब तक, तब तक चाटेंगे जब तक हमारे आवाम नहीं उठेंगे, जब तक हमारे आवाम नहीं आएगा, हमारे आवाम में शऊर नहीं होगा, हमारे आवाम पढ़े लिखे गए। इसलिए कहता है कि जो इलम है ना वो बहुत बड़ी नेमत है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को तलीम दें ताकि आपके बच्चों को पता चले कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हम अपने हुक्मरानों को अपने गिरे उनके गिरेबान से पकड़े। मेरा भाई से हम गरीब को वो आगे उजागर करने नहीं चाहते हमारे साथ, और हम जो है उनको गिरेबान से पकड़े और उनसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया सिवाय अपने नस्लों को बेहतर, आज तक हम आपने क्या किया, आपने हमारे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, आपने अपनी नस्लों को सवारने के लिए हमारी नस्लें तबाह कर दी, पाकिस्तान को तबाह खत्म कर दिया। और अल्लाह के बंदों जो ला इलाह की बुनियाद पर बना था मुल्क बना था उसको आप किधर लेके चल पड़े। हमने ये इंडिया से या बरसगीर से इसलिए नहीं लिया था कि हम अपने आवाम को भूख में मरना छोड़ दें, हमने इसलिए लिया था जहाँ इस्लामी कानून नाफज हो और दूसरी दुनिया की तरह हम भी तरक्की खुद मुख्तार मुल्क होकर तरक्की करें। और मेरे ख्याल में ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हमारे आवाम एजुकेट ना करें, तब तक मुमकिन नहीं जब तक हमारे आवाम में शऊर ना हो, तब तक एजुकेट नहीं करेंगे जब तक इदारे अपना काम सही ना करें, जब तक इदारे करप्ट रहेंगे। करप्ट इदारों में भी हमारे पढ़े लिखे अवाम होते हैं जो कि करप्शन करके जाते हैं, जो रिश्वत देकर जाते हैं और रिश्वत लेते हैं, और तब तक और ये निजाम चलता जा रहा है नीचे से लेकर माली से लेकर हेडमास्टर तक स्कूल का वो करप्शन कर, सब भी करप्ट, कोई भी ऐसा नहीं है। फिर कैसे तरक्की होगी मेरा भाई? मेरे ख्याल में ये हमारा आलमी है, हम तो अपना रोना पीटना शुरू इंडिया के लिए, आप अच्छे दिन रहे और अच्छे दिन वो अपने इंजॉय करें, हमारे तो है भाई, आप पाकिस्तान के लिए कोई साजिश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मुझसे बात नहीं कर रहे, अंदर से हम साजिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को मैं कर रहा हूँ, गुलजार भाई कर रहे हैं, भाईकूब कर रहे हैं, और कोई साजिश कर ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। कले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं बाहर से नहीं खुलते। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मिलता है वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।